नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए, आज वैश्विक हिंदुस्तान में बात करेंगे चाइना और भारत की। देखिए, यहाँ पे भारत ने चाइना को अंदर से तोड़ने की प्लानिंग बना ली है, पूरा प्लान देके तैयार है, और आज इसी प्लान के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो यहाँ पे SCO समिट जो हुआ था उज़्बेकिस्तान के समरकंद में, तो उसमें भारत ने अपना जो पक्ष था कश्मीर को लेकर भी, और साथ साथ जो आयात और निर्यात यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है भारत और उज़्बेकिस्तान या टर्की, आप देख समझ लिये, और रशिया के बीच में, उसको लेकर अपना रुख जो था वो साफ कर दिया था, और साथ साथ रशिया को भी देखे धमकी दे डाली थी। और आज हम इसी चर्चा पे बात करेंगे SCO में जो सब कुछ हुआ था, एक तो उस पे, और साथ ही साथ जो चाइना पर क्रैकडाउन करा है इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, उसकी भी बात करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चाइनीज कंपनियों का भट्टा बैठा सकता है, तैयारी बड़ी है और इस पर विचार भी चल रहा है। जी हाँ, अगर ये विचार मूर्त रूप से ले तो पूरे भारत में रास्ते में मोबाइल बेचने वाली चाइनीज कंपनियों का भट्टा बैठ सकता है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत उस प्लान पर काम कर रहा है जिसके तहत चाइनीज कंपनियों को भारत में 12,000 रुपए से कम के मोबाइल फोन बेचने पर पाबंदी लगा सकती है। आपको बता दें कि प्राइस बैंड के हिसाब से यह वही सेगमेंट है जिसमें चाइनीज कंपनियों ने भारत की कंपनियों को पीछे छोड़ रखा है। भारत में भी इस रेट में फोन बनते हैं, लेकिन चाइनीज कंपनियों के फीचर ग्राहकों को लालच में डाल देते हैं। 12,000 रुपए का अर्थ डॉलर में 150 हुआ, और अगर भारत में इस रेट में फोन पर रोक लगाए तो इससे घरेलू बाजार और घरेलू कंपनियां बम बम होंगी, और चाइनीज ब्रांड जैसे कि शाओमी और हालत पस्त हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत का यह कदम चीनी कंपनियों को कम रेट के बाजार से बाहर करना और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है जहां चीनी कंपनियों ने लगातार अपनी धाक जमाई है, सस्ते में मोबाइल बेचकर भारतीय ग्राहकों को लुभाया है। रिपोर्ट की माने तो भारत के इस कदम से सबसे बड़ा झटका शाओमी और उसके समकक्ष बड़ी चाइनीज कंपनियों को लगेगा। शाओमी ऐसी कंपनी है जिसने भारत में सबसे अधिक पैड बनाई है। खास बात यह है कि चीन में कोविड के चलते इस कंपनी का मोबाइल बाजार लगातार सिकुड़ता गया, जबकि भारत में इसने लगातार ऊंचाई प्राप्त की है। 12,000 से सस्ते मोबाइल फोन पर ही क्यों बैन? अब यह भी जान ले कि 12,000 से सस्ता फोन ही क्यों निशाने पर लिया गया है। असल में 12,000 रुपए या $150 के मोबाइल फोन भारत में बिक्री होने वाले फोन में तीसरा स्थान लिए हुए हैं। यह जून 2022 की तिमारी में आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेंज के मोबाइल फोन पर भारत में चाइनीज कंपनियों का तकरीबन 80% तक कब्जा है। अब जैसे ही शाओमी को इस खबर की भनक लगी, उसकी हालत पतली होने लगी। इसका इशारा हांगकांग के शेयर मार्केट से मिलता है। सोमवार को हांगकांग स्टॉक में शाओमी की बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके शेयरों में एक दिन में ही 3.6% की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही इस साल में शाओमी के शेयर 35% गिरावट में नीचे चल रहे हैं। अभी यह साफ नहीं है कि भारत में मोदी सरकार चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ क्या, कब और कैसे एक्शन लेगी, लेकिन सूत्रों से आ रही खबरों ने चीनी कंपनियों को हड़कंप में मचा दिया है। चीनी कंपनियों की टैक्स चोरी पर कार्रवाई। आपको यह भी पता होगा कि कैसे चीनी कंपनियों पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगा है। रेवेन्यू इंस्टॉलमेंट की तरफ से जांच चल रही है। खुद सरकार ने संसद में जवाब दिया कि तीन प्रमुख चीनी कंपनियों ओपो, शाओमी और वीवो के खिलाफ कार्रवाई की गई है और टैक्स चोरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे भी चीनी कंपनियां सकते में हैं कि सरकार भविष्य में और कड़े कदम उठा सकती है। आपको याद हो कि भारत में चीनी की मशहूर कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी और JTE कॉरपोरेशन में बैन लग गया था। ये कंपनियां भारत में 5G के औजार भी नहीं बेच पाएंगी। अगर चीनी कंपनियों पर रोक लगाती है तो लावा और माइक्रोमैक्स जैसी देसी कंपनियों के दिन फिर सकते हैं। इन कंपनियों का बाजार चाइनीज कंपनियों के सबसे अधिक मारा है, क्योंकि 10,000 से 12,000 के सेगमेंट में भारत की ये दोनों कंपनियां अच्छा फोन बनाती हैं, लेकिन चकाचौंध वाले फीचर में पिछड़ जाती है। 2020 में के सीमा विवाद के बाद भारत में मुश्किल हुआ कारोबार। 2020 में सीमा पर संघर्ष के बाद राजनीतिक तनाव के कारण कई चीनी कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए संघर्ष किया। भारत ने 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के से सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया और भारत में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए नियम कड़े कर दिए। शाओमी और प्रतिद्वंदी वीवो की भारत में की वित्तीय आधार पर लड़ने वाली एजेंसी द्वारा कथित एलिगेशन रिमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाँच की जा रही है। दोनों किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। चीनी ब्रांड्स ने पहुंचाया डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान। रॉयटर्स की खबर के अनुसार शाओमी जैसी कंपनियों के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। वास्तव में चीनी ब्रांड डोमेस्टिक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को काफी डाउन कर दिया है।
जिसकी वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ गया। एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मामले में परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए पॉलिसी की घोषणा करेगी या अनौपचारिक चलाने को उपयोग करेगी। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन।